हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लैंग्वेज फैक्ट्स। सो हमने पिछले लेक्चर में वाइल लूप देखा था, हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स कर रहे थे। तो अब हम अपने प्रोग्रामिंग के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। सो आज हम देख रहे हैं डू वाइल स्टेटमेंट। अ डू वाइल लूप इज सिमिलर टू द वाइल लूप एक्सेप्ट दैट द कंडीशन इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड आफ्टर द बॉडी ऑफ द लूप। इट इज ऑल्सो नोन एज एग्जिट कंट्रोल लूप। हमने वाइल पढ़ा था, वो एंट्री कंट्रोल लूप था। डू वाइल के एग्जिट कंट्रोल लूप। तो इसमें क्या होता है, हमारी जो बॉडी वाला पार्ट है वो पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद कंडीशन चेक होती है। कभी कभी ऐसा ज़रूरी होता है कि हमें एक बार तो हमारी बॉडी की स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना होता है, देन कंडीशन चेक होती है। कई कंडीशंस में ऐसा होता है, कई बार हमें ऐसा नीड होती है, तो जब हम डू वाइल स्टेटमेंट का यूज करते हैं। इन सम सिचुएशंस इट इज नेसेसरी टू एग्जीक्यूट बॉडी ऑफ अ लूप बिफोर टेस्टिंग द कंडीशन। सच सिचुएशंस कैन बी हैंडल विद द हेल्प ऑफ डू वाइल लूप। इसने भी यही बोला है कि कई बार कोई कंडीशन सिचुएशन ऐसी होती है कि पहले हमें बॉडी का एग्जीक्यूशन करवाना होता है, देन हमें कंडीशन चेक करानी होती है। सो डू वाइल में हम दो कीवर्ड्स लिखते हैं, डू एंड वाइल। वाइल तो हम पहले भी लिखते थे, अब नया कीवर्ड क्या है हमारे लिए, डू। सो हम लिखेंगे डू, देन हमारा ये ब्लॉक स्टार्ट होगा। इसके अंदर हम बॉडी बनाएंगे, स्टेटमेंट्स, वो कंडीशन चेक करेंगे, देन ब्लॉक बंद हुआ, देन हम लिख रहे हैं वाइल, उसमें हम कंडीशन चेक कर रहे हैं, और उसके बाद आता है इसमें सेमी कॉलन। मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट थिंग, डू वाइल में सेमी कॉलन आता है और वाइल में नहीं आता है। इसमें बहुत बार गलती भी होती है और इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो इसको हमें याद रखना है। इन डू वाइल लूप द वाइल कंडीशन इज रिटन एट द एंड एंड टर्मिनेट्स विद द सेमी कॉलन। डू वाइल लूप में वाइल कंडीशन एंड में लिखी जाती है और सेमी कॉलन के साथ ही टर्मिनेट होती है। जैसे कि ये प्रोग्राम है हमारा, इंट ए एंड आई दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए। ए की वैल्यू मैंने 5 की, आई की वैल्यू मैंने 1 की, देन मैंने किया डू। एक बार क्या प्रिंट होना चाहिए, ए इंटू आई, देन आई प्लस प्लस। ओके, जो मैं हमने पढ़ा था ना टेबल वाइल लूप से, वही डू वाइल लूप से ये टेबल। ये इसमें तुम्हें फर्क बस ये दिख रहा है कि पहले यहाँ पे बॉडी प्रिंट स्टेटमेंट्स प्रिंट हो रही है, देन कंडीशन चेक हो रही है। ठीक है, इसमें यहाँ पे भी देख रहे हैं हम वाइल, देन कंडीशन, उसके बाद सेमी कॉलन। ओके, देन हम देख रहे हैं वाइल और डू वाइल में डिफरेंस। डिफरेंस क्या है, वाइल में कंडीशन इज चेक्ड फर्स्ट देन स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। ये हमने पढ़ा है कि वाइल लूप में क्या होता है, पहले कंडीशन चेक होती है, उसके बाद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस, देयरफॉर कंडीशन इज चेक्ड। इसमें क्या होता है, एक बार तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, देन कंडीशन चेक होती है। इट माइट अकर स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड टू टाइम्स इफ द कंडीशन इज फॉल्स। इसका मतलब वो, अगर इसमें कंडीशन पहले चेक होती, अगर कंडीशन फर्स्ट फॉल्स हुई, तो उसके बाद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। एट लीस्ट वंस द स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, इसमें क्या होगा, एक बार तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी जब कंडीशन फॉल्स हो या ट्रू हो। नो सेमी कॉलन एट द एंड ऑफ वाइल, सेमी कॉलन एट द एंड ऑफ वाइल, ये हमें पता है। इफ देयर इज अ सिंगल स्टेटमेंट, ब्रैकेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड। अगर हमारी सिंगल स्टेटमेंट है, वाइल के बाद जो कंडीशन है हमारी वो सिंगल ही है, तो उसमें हमें कई बार ब्रैकेट्स की ज़रूरत नहीं होती। वाइल हम देन कंडीशन डालते हैं, उसके बाद जो हम ब्लॉक शुरू करते हैं उसमें ज़रूरत नहीं होती अगर हमारी सिंगल स्टेटमेंट है। ब्रैकेट्स आर ऑलवेज रिक्वायर्ड, डू वाइल में हमेशा नीड होती है। वेरिएबल्स इन कंडीशन इज इनिशियलाइज्ड बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप। वेरिएबल्स में भी इनिशियलाइज बिफोर और विद इन द लूप। इसमें क्या होगा, पहले कंडीशन चेक होनी है, जो कंडीशन में वेरिएबल यूज हुए हैं उसको पहले ही हमें उन वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। इसमें क्या होगा, कंडीशन बाद में चेक होती है, तो चाहे पहले कर दो चाहे लूप के अंदर कर दो उनको इनिशियलाइज। वाइल लूप इज एंट्री कंट्रोल लूप, डू वाइल लूप इज एग्जिट कंट्रोल लूप।
और ये इनके सिंटेक्स है. सिंटेक्स में भी डिफरेंस दिख रहा है हमें कि बाद में वाइल इसमें आता है और इसमें सेमीकॉलन आता है. ठीक है, तो इसका हम प्रोग्राम कर लेते हैं. सो मैं लेती हूँ इंट ए कोमा आई, मुझे डालनी है डू स्टेटमेंट्स में प्रिंट एफ ए की वैल्यू, सॉरी आई की वैल्यू. फिर ए की मुझे अभी नीड नहीं है, वो मुझे नेक्स्ट में होगी. मैं दिखाऊंगी कैसे. वाइल और इसमें मैं कंडीशन क्या डाल सकती हूँ, आई इज लेस देन 11 और सेमी कॉलन. यहाँ सेमी कॉलन ज़रूर डालना है. अब रन करके देख लेते हैं. सी बैक स्लैश एन, फिर से रन करते हैं. देखो 1 to 10 ही प्रिंट हुए हैं. अभी हमें इसमें ऐसे नहीं पता चलेगा कि इसमें हुआ क्या है. बेसिकली पहले डू स्टेटमेंट्स चली हैं, उसके बाद कंडीशन चेक हो रही है. समझ रहे हो, पहले डू स्टेटमेंट हुई प्रिंट हुई है, उसके बाद. अब जैसे मैं इसमें डाल दूं दिस वन, आई की वैल्यू मैंने 1 रख दी और कंडीशन क्या रखी है, आई इज लेस देन 1, तो कंडीशन तो फॉल्स हुई. फिर भी देखो एक बार तो हमारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी. एक बार तो एग्जीक्यूट हुई है ना, आई की वैल्यू 1 हुई, प्रिंट किया आई की वैल्यू, आई प्लस प्लस हुआ, देन चेक हुआ है. ठीक है, समझ में आया. ऐसे ही हमारी जो टेबल थी, हमने पढ़ा था ना कि टेबल वो कैसे प्रिंट होगी. जैसे मुझे 5 की टेबल, हमने उस टाइम भी देखी थी, 5 की टेबल प्रिंट कर लेते हैं हम. Person D is equals to percent D. यहाँ पे क्या आ जाएगा, A comma I comma this. C 5 की टेबल करेक्ट है हमारी बिल्कुल. ये हमने do while से करके देखी है, हमने while से भी करके देखी थी. आई होप आपको समझ में आई होगी. जो आपकी क्वेरीज है उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं उन क्वेरीज को सॉल्व करने की आपकी पूरी हेल्प करूँगी. सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम फॉर लूप करेंगे. इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद. इस चैनल को सब्सक्राइब करने वालों का आभार.